हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे होते हैं, कितने टाइम में होते हैं और क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमने भी बहुत कुछ फेस करा, मेरी चोट भी लगी है, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हम लोग पूरा पौंडीचेरी का सफ़र करके और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब यहाँ से निकल के और हम लोग बाई बस जाएंगे तिरुपति बालाजी के। तो अभी देखते हैं कौन सी बस हमको मिलती है। हमारी बस का टी ब्रेक है तो अभी हम यहाँ से कुछ खाने को लेते हैं। ये बर्गर और सैंडविच। हाय गाइस, वी आर बैक इन चेन्नई बिकॉज फॉर सम अनदर बस। एक्चुअली अभी हम लोग वापस पौंडीचेरी से चेन्नई आए हैं क्योंकि हमको लेनी है यहाँ से तिरुपति की बस। तो अभी हम लोग हैं चेन्नई बस स्टॉप पे। हम लोगों को मिली है ये वाली बस और ये हमको लेके जाएंगी चेन्नई से तिरुपति बालाजी। अभी हम लोग बिस्किट खाते हुए निकल गए हैं चेन्नई से और आई थिंक 2 या 3 घंटे में हम लोग तिरुपति के पहुँचेंगे। 11 या 12 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, तो मिलते हैं वहाँ जाके। यहाँ बज रहे रात के 12 बज रहे और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे बस स्टॉप पे। तो अभी हमको लाइनों में लग के और जाना पड़ रहा है अंदर टिकट के लिए क्योंकि एक दिन में 10,000 लोगों को ही टिकट मिलता है और उसके लिए सुबह 3 बजे लाइन में लगना पड़ता है और उसको टिकट मिलता है 5 बजे से 8 बजे तक। रात को 12 बजे हम तिरुपति बालाजी के पहुंच गए थे। फिर हम लोग गए यहाँ के भवन में जहाँ से टिकट लेना पड़ता है और उसके लिए हमने पूरा 5 घंटे लाइन में बैठ के वेट किया। लाइन मतलब इतनी लंबी लाइन लगती है। वो 5 बजे से 8 बजे तक टिकट काउंटर खुलता है और उसमें हमको लाइन में लगना पड़ता है जब हमको टिकट मिलता है और वो सिर्फ दर्शन का टिकट होता है। तो हम लोगों ने फिर 6 बजे हमको टिकट मिला, फिर हम लोग आए होटल पे आके हम लोग सो गए और अभी बज रहे 1। तो अभी हम लोग आए यहाँ पे खाना खाने रेस्टोरेंट में और इसके बाद हम लोग जाएंगे टेम्पल के लिए जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो हम लोग जाएंगे बाई बस। आज का लोग मिलते हैं बाद में पाए। तो फाइनली आज पूरा 20 दिन बाद मुझे आटे की रोटी मिली है और इनको पूरा 1 महीने बाद। अदरवाइज यहाँ पे मैदे की रोटी बनती है, मैदे के पराठे बनते हैं जो हम खा के इतना परेशान हुए। हम लोगों ने आज ढूंढा राजस्थानी रेस्टोरेंट जहाँ पे हमको मिली आटे की रोटी और फटाफट से खाना खाते फिर निकलते हैं। बाय। बस जाने वाली है तिरुपति बालाजी के जो कि 20 किलोमीटर की हाइट पे है और ये हमको उतारेगी तिरुमाला जहाँ से हमको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। और ये है इधर का भवन जहाँ से हमको टिकट मिला था। यहाँ की यात्रा मुझे लगता है वैष्णो देवी से भी बहुत कठिन है। तो जिनमें सहन शक्ति हो और जिनमें हिम्मत हो भीड़ में खड़ा होने की, भीड़ में लाइन में लगने की, वो ही इधर आए। अदरवाइज बिल्कुल भी बस की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो लाइन लगती है ना वो लगती 3 बजे और 3 बजे फुल लाइन भर जाती है और 5 बजे
और टिकट मिलने स्टार्ट होते हैं 5 बजे, जबकि लाइन में लगना पड़ता है 3 बजे, और फिर 5 बजे टिकट का काउंटर खुलता है। उसके बाद कम से कम 6 या 7 बजे पहले टिकट नहीं मिलता है, इतनी भीड़ होती है इधर, बहुत मुश्किल था। बट हम लोगों ने टिकट ले लिया है, हम ऊपर जाके देखते हैं और भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। ये जो रो बनी है इसमें लगना पड़ता है लाइन में, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत लोग आते हैं इधर। ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट और अभी बस ने चढ़ाई शुरू कर दी है। इधर होती है टिकट चेकिंग, यहाँ पे पहले पैसेंजर्स की टिकट चेकिंग होगी, यात्रा के लिए टिकट किस किस ने लिया, और उसके बाद हम लोग वापस बस में बैठेंगे। आई एम सॉरी माई मिस्टेक, एक्चुअली यहाँ पे टिकट की चेकिंग नहीं होती, यहाँ पे होती अपनी खुद की चेकिंग, कि हम कोई बम या गन तो साथ नहीं लेके जा रहे, बट आई डोंट हैव सीरियसली। पूरे 20 किलोमीटर की चढ़ाई बस के द्वारा करके हम लोग पहुंच जाते हैं तिरुपति बालाजी टेंपल में, जहाँ पे बस की पार्किंग होती है, वहाँ पे हमको भैया उतारते हैं, उसके बाद में हम लोग दूसरी गाड़ी लेते हैं। इधर का होटल एरिया, अगर हम लोग चाहे कि इधर हम स्टे करना चाहते हैं तो इधर भी कर सकते हैं, इधर काफ़ी सारी होटल्स भी है और धर्मशाला भी है, बट हम लोगों ने तो नीचे ही होटल ले ली थी, इसलिए हम लोग अभी दर्शन करेंगे और अभी देखो टाइम कितना लगता है, 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे कितना भी टाइम लग सकता है, तो दर्शन करके फिर हम लोग वापस नीचे जाएंगे। टैक्सी से उतरने के बाद अभी इस रो में चलना है, और ये आई थिंक काफ़ी लंबी रो है, तो अभी आगे चल के दिखाते। और इधर ही पूरा पानी का एरिया बना हुआ है, और आप उधर देख सकते हैं वो पूरी रो, हमको वहाँ तक जाना है एंड तक, और फिर लाइन में लगना पड़ेगा। तो लोगों ने, किसी ने बोला 3 घंटे लगेंगे, किसी ने बोला 8 घंटे लगेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहाँ पे श्री वेंकटेश्वर महाराज का एक रूप है, और जो वेंकटेश्वर जी की मूर्ति है उस पे उनके असली बाल लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग बाल दान करके जाते हैं। हमको नीचे भी लाइन में लगना पड़ा था और अभी भी लाइन में लगना पड़ रहा है, दर्शन पता नहीं कब तक होंगे। इनका गला हो गया एकदम खराब, चौक हो गया, ये वैसे भी परेशान है लाइन में लगने से। अभी हम बैठे एक रूम में जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे, और काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कल सुबह तक दर्शन होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी 8-9 बजे तक होंगे, बाकी पता नहीं आगे चल के देखेंगे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा कठिन यात्रा है, और हम लोग आए थे यहाँ पे 3 बजे शाम को, और हमको दर्शन हुए सुबह के 3 बजे, और बाकी यहाँ का जो हमने फेस करी चीज़ें वो मैं आपको रूम पे जाके बताती हूँ, बट अभी यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये है यहाँ का मंदिर, और बहुत ही लंबी लाइन लगती है, और इसमें ना बहुत सारे 25 अलग अलग रूम बने हुए हैं, होल जैसे बड़े बड़े रूम,
उनमें आपको शाम को 6 बजे डाल दिया जाता है, बाहर से लॉक कर दिया जाता है, और उसके बाद में जब दर्शन का टाइमिंग होता है 3 बजे या 4 बजे, जब आपको वहाँ से निकाला जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमको, बट फाइनली अभी हमको दर्शन हो गए हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुए, फटाफट दर्शन हो गए। तो ये है वहाँ का मंदिर। अभी पास से तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से हम लेके नहीं गए, बट पूरा गोल्ड का बना हुआ है टेम्पल, और सिल्वर और गोल्ड का बना हुआ है, बहुत सुंदर टेम्पल था, और दर्शन भी हमको बहुत बढ़िया हुए। बस जो रात के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हुई, मतलब इतना वेट करना, पूरा 13-14 घंटे हमने वेट किया, उसके बाद हमको दर्शन हुए। एंट्रेंस और इसके बाद में सिल्वर की एंट्रेंस बनी हुई है, उसके बाद में गोल्ड में टेंपल बना हुआ है। तो ये है इधर का टेंपल मैन, और इधर से ये जोत मिलती है भगवान की। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैंने सूट पहन रखा था, उसके ऊपर मैंने स्वेट शर्ट पहन लिया, मतलब हुडी पहन ली, और अभी हम लोग जा रहे हैं बस में। बस से हमको जाना है होटल, होटल से जाना है हमको रेलवे स्टेशन, और हमको पकड़नी हैदराबाद की ट्रेन। बट सीरियसली लिटरली हम बहुत परेशान हुए थे, भगवान जो तिरुपति बालाजी है बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं यहाँ पे भक्तों की, तो अगर आना है किसी को तो पेशेंस और टाइम लेके आना, बिकॉज दोनों बहुत ज़रूरी है इधर। तो बालाजी को बाय बाय बोलते हुए हम लोग पहुँच गए हैं बस स्टैंड, और यहाँ से हमको लेनी है बस जो हमको छोड़ेगी नीचे 20 किलोमीटर पहाड़ियों से नीचे, और वहाँ पे हमारी होटल है, और उसके बाद ये थे हमारे तिरुपति बालाजी के दर्शन। और बस यहाँ की एक ही चीज़ हमको बहुत गंदी लगी, जो है यहाँ का अरेंजमेंट, बहुत ही गंदा अरेंजमेंट था, आपको भेड़ बकरियों की तरह एक जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद में आप 3 घंटे में एक रूम का नंबर आता है, तो जब 3 घंटे में एक रूम का नंबर आएगा जब उनका दर्शन होगा। जैसे ही मंदिर से नीचे आए, उसके बाद हमने ट्रेन बस ली और हम लोग हैदराबाद पहुँचे। अभी मैं हूँ हैदराबाद में, और अभी आपको बताती हूँ हमारे साथ क्या क्या हुआ कल। एक्चुअली सबसे पहले तो हम लोग लगे 1 घंटे लाइन में, उसके बाद हमको अंदर भेजा गया, और अंदर भेजने के बाद हमको लगा कि अब शायद टेम्पल आने वाला होगा, तो हम लोग जैसे अंदर गए, फिर एक बड़ा सा होल बना हुआ था, उसमें हम सबको डाल दिया गया, उसके बाद में बाहर से लॉक कर देते हैं। फिर वहाँ से 2 घंटे बाद हमारा गेट का लॉक खुला। जैसे हम लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद फिर से हमको एक कंपार्टमेंट में, मतलब एक तो इतनी भीड़ होती है कि मतलब दौड़ना पड़ता है वहाँ पे, और जब हम जा रहे थे तो मैं वहाँ पे गिर गई थी स्टेयर्स पे, तो मेरे चोट भी लगी है घुटने पे, वो भी है मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद हम लोग गए अंदर, तो कंपार्टमेंट्स है 1 से लेके और आई थिंक 40 से 50 तक कंपार्टमेंट्स है, उनमें भर दिए जाते हैं एकदम भेड़ बकरियों की तरह लोग। तो वहाँ पे ना बहुत सारे रूम भरे हुए थे ऑलरेडी, हमारा रूम नंबर था 18, तो सबसे पहले 1 से और 17 तक नंबर आना था, तो एक रूम का नंबर आता है वहाँ पे 3 घंटे में, पहले एक रूम जाएगा, 3 घंटे बाद दूसरा रूम जाएगा, फिर 3 घंटे बाद तीसरा रूम जाएगा, ऐसे करके हमारा नंबर था 18। तो हम लोग कल गए थे वहाँ पे कंपार्टमेंट के अंदर शाम को 6 बजे, और हमको दर्शन हुए सुबह 3:30 बजे, और वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं था, पूरा कंपार्टमेंट एकदम खुला था, नीचे कुछ भी बिछा हुआ नहीं था, ना ओढ़ने का था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, ना खाने का कुछ था, ना पीने का कुछ था, पूरी रात भूखे प्यासे हम लोग ऐसे फर्श पे लेटे रहे और फर्श पे बैठे रहे। तो
बस ये है कि उसके बाद में जब दर्शन के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे टाइम नहीं लगता, वहाँ आधे घंटे में आपको दर्शन हो जाते हैं। दर्शन बाई गॉड बहुत अच्छे हुए और टेम्पल बहुत सुंदर था, और बस भगवान जी के हम दर्शन करने गए थे। थोड़ी बहुत परेशानी हुई, मेहनत हुई, बट हमको दर्शन हो गए। तो ये है कि वहाँ पे कोई भी जाओ तो पेशेंस और थोड़ा सा टाइम साथ लेके जाना, अदरवाइज वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा तिरुपति का ट्रिप, और अभी मैं पूरा वीडियो अपलोड करती हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और कुछ गूगल से ली हुई फ़ोटोज़ है, बिकॉज अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी हम लोग पहुँच चुके हैदराबाद, कल हम लोग यहाँ के साइट सीन देखने जाएंगे। तो मिलते हैं कल, बाय। तो ये मेरे चोट लगी थी वहाँ पे, बट अभी ठीक है। और ये थे वहाँ के कंपार्टमेंट्स, जो कि 1 to 50 या 1 to 30 थे, और ऐसे वहाँ पे लगती लाइनें जिनमें काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है। और ये था वहाँ का टेंपल, बड़ा वाला जो है वो मेन एंट्री है, उसके बाद सिल्वर एंट्री है, फिर गोल्ड का टेंपल है।